आप अपने गांव को निर्मल गांव बनाना क्यों चाहते हो? श्रीमती जामुनबाई ग्राम गोपलिन चुआ, हमारे गांव ला हम निर्मल ग्राम में कारण बना था कि साफ सफाई रहना चाहिए, हमारे गांव स्वस्थ रहना चाहिए हमारे गांव ला। तो सब घर टॉयलेट रूम बने हैं कि नहीं बने हैं कि हम चेक करे बजान सब महिला बहनी, तो बन गया। अब सबो बहनी मन जावा थे टॉयलेट में, मतलब पानी लेके, अब वो मतलब बता था कि साबुन से हाथ धोए करो। आपके गांव में क्या क्या सुविधा होगी तब आप कह सकते हैं कि अपने गांव में निर्मल ग्राम के कगार में है? हमारे गांव में ये चीज नहीं है कि नल नहीं है, नल है वो जतीस से बने होती, और जो नल के पानी निकालते नहीं तो वहाँ बाहर जाते, तो वहाँ बाहर जाते वो पानी है तो पानी से गंदा होते, तो वो पानी से हमला पेड़ जगो है, हम केला के पौधा जगो है, जो केला रुक अभी फर धर रही खाम, तो वो खाम से हमला मतलब सब्जी के हमला है होते, सब्जी खाते हैं ओकर से हमला बहुत फायदा है, नल मतलब उपयोग हो गए थे। दीदी आप इतना प्रयास कर रहे हैं आप अपने गांव को निर्मल ग्राम बनाने के लिए, क्या आपको उम्मीद है कि आपका गांव निर्मल ग्राम होगा? हाँ, काबर नहीं हुई बहनी, हमारे गांव है निर्मल ग्राम, काबर नहीं हुई। एक दो बार टीम हाँ आए रही से हमारे गांव में, बोरिंग विभाग वाले मन हाँ हमला बताया है निर्मल ग्राम ला, हमन हाँ सोचे न वो कहें हम निर्मल, भले सरकार हमला सहयोग दे चाहे मत दे, फिर हम निर्मल ग्राम बनाबो के हम उम्मीद रखें, और काबर नहीं हुई, जब हम स्वस्थ है, हमारे बच्चा स्वस्थ है, हमारे गांव के महिला पुरुष स्वस्थ है, सब स्वस्थ है, तो गांव के काबर स्वस्थ नहीं रही, और गांव स्वस्थ है, साफ सफाई है, सुंदर है, तेकर कारण से हम निर्मल ग्राम चुने गए हैं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।